रॉबिनहुड आर्मी के सीनियर पेट्रोल अभियान की जानकारी एबीपी गंगा द्वारा जनहित में जारी। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। गुजरात के विराम गांव अहमदाबाद से 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन उत्तर प्रदेश के एटा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। यहां पर पहुंचे श्रमिकों ने आरोप लगाया कि उनसे टिकट के एवज में 600 रुपए प्रति श्रमिक के हिसाब से वसूल किए गए हैं, जबकि टिकट 500 रुपए का ही दिया गया। ऐसे में सरकार और रेल प्रशासन के उन दावों की पोल खुल जाती है जिसमें प्रवासी श्रमिकों को ट्रेन से फ्री में लाने का दावा किया जा रहा है। प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें, केवल सर्वप्रथम अहमदाबाद के विरमगाम से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन उत्तर प्रदेश के एटा रेलवे स्टेशन पहुंची। 45 दिन से विरमगाम में फंसे मजदूरों को घर वापसी का मौका तो मिल गया, लेकिन इस सफर के लिए इन्हें कीमत चुकानी पड़ी। सबूत है मजदूरों के हाथ में ये टिकट। 600 रुपये लिए हैं तो सरकार का दावा है कि वो फ्री में ला रही है आप लोगों को। वो 600 रुपये हम लोग से लिए। कहाँ जाएंगे आप? गाजीपुर। टिकट आपने दिखाया, 500 रुपये छपाए, कितने पैसे वसूले गए इसके? इसके 600 रुपये लिया गया मेरे से। 100 रुपये एक्स्ट्रा क्यों लिया गया? ये मुझे नहीं पता क्यों लिया गया। कुछ ऐसा ही हाल कर्नाटक से रांची पहुंचे मजदूरों का भी है, जिन्हें घर वापसी के लिए ट्रेन तो मिल गई, लेकिन इनसे किराया भी वसूल लिया गया और वो भी ज्यादा। हमारी झारखंड सरकार कह रही है कि कहीं भाड़ा नहीं लग रहा है और ये तो हमको ऑलरेडी 960 रुपया करके ले रहा है एक व्यक्ति का, और बच्चे का भी कोई डिस्काउंट नहीं किया गया, और जब बिल दे रहे हैं हम लोगों को 820 रुपया का। अब सूरत से प्रयागराज जा रही इस ट्रेन से सफर कर रहे एक और मजदूर की कहानी सुनिए, जिन्होंने ट्रेन का टिकट लिया लेकिन प्रशासन की तरफ से न खाने का इंतजाम किया गया और न पानी का। 2:30 बजे से लाइन लगाए थे और लाइन लगाने के बाद लास्ट में सूरत स्टेशन पे हम 7 बजे गाड़ी में बैठे और 7:30 बजे गाड़ी खुली, लेकिन हमें वहाँ पर भी कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिली, ना पानी मिला और ना ही कोई खाना मिला। सरकारें बार बार दावा कर रही हैं कि मजदूरों से बिना किराया लिए उनकी घर वापसी करवाई जाएगी, लेकिन देश के कई हिस्सों में ये दावे झूठे ही साबित होते दिख रहे हैं। ऊपर करो कहाँ से आ रहे हो? ये कितने पैसे लिए टिकट के? और बस्ती से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ पर लॉकडाउन के चलते बेटों के न पहुँच पाने पर मां ने ही अपने पति को मुखाग्नि दी। मामला बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र के कुदई गांव का है, जहाँ पर संत राम नाम के बुजुर्ग की कल दोपहर तबीयत खराब हुई और अस्पताल उन्हें ले जाया जाता तभी संत राम की मौत हो गई। चूंकि इनके तीनों बेटे बस्ती से बाहर रहते हैं, जो लॉकडाउन के चलते पिता की मौत पर घर नहीं पहुँच पाए, जिसके चलते माँ ने ही मुखाग्नि दी। इस दौरान उनके परिजनों और ग्रामीणों की आंखें छलक गईं और माहौल काफी गमगीन हो गया। और लॉकडाउन के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ पर लॉकडाउन के चलते प्रदूषण का स्तर कम हुआ, जिसकी वजह से अब बरेली से नैनीताल के पहाड़ दिखाई देने लगे हैं। उत्तराखंड की वादियों का ये नज़ारा देखकर लोग काफ़ी खुश हैं। आपको बता दें कि बरेली से नैनीताल की दूरी करीब 135 किलोमीटर है, लेकिन आसमान इतना साफ है कि अब नैनीताल की जो वादियाँ हैं वो यहाँ से दिखनी शुरू हो गई। तो नैनीताल के पहाड़ अगर बरेली से दिखें तो खुशी की बात है ही, और यही वजह है आप तस्वीर में देख भी सकते हैं कि जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत में सुधार हुआ है। मुलायम को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, सुबह 6 बजे के करीब अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि पेट में हल्की दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उन्हें अब अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। सुबह 6 बजे पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में वो भर्ती हुए थे, तो कल रात को फिर से उन्हें भर्ती करवाया गया था, लेकिन अब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत में सुधार हुआ है और
उनको अस्पताल से सुबह 6 बजे डिस्चार्ज कर दिया गया। पेट में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तो मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया था, पेट में दर्द की शिकायत थी। हालांकि डॉक्टर्स ने कहा था कि कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है और आज सुबह 6 बजे उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या उनकी सेहत के बारे में डॉक्टर कह रहे हैं? देखिए, जो मेदांता के डायरेक्टर हैं राकेश कपूर, उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव को कल रात में करीब 10:30 बजे के आसपास मेदांता लाया गया था। उनका जो स्वास्थ्य था, वो पेट में उनको दर्द हो रही थी, इसके अलावा डायरिया की शिकायत थी, जिसके चलते उनको यहाँ पर लाया गया था। लेकिन अब जो है उनकी हालत आज सुबह तक, रात नहीं बल्कि कहें तो बेहतर होने लगी थी और उसके बाद आज सुबह करीब 6:30 बजे उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि इससे पहले अभी हाल ही में एक बार पहले भी मुलायम सिंह यादव को लाया गया था मेदांता में और तब उनको कब्ज की शिकायत थी, उनको कुछ ये दिक्कत होने की वजह से उनको वहां पर रखा गया था कुछ समय के लिए और उसके बाद में जब उस समस्या पूरी तरह से दूर हो गई तो उनको डिस्चार्ज किया गया था मेदांता से 7 मई को। लेकिन एक बार फिर से कल उनके स्वास्थ्य में दिक्कत के बाद उनको वहां पर लाया गया रात में 10:30 के करीब। हालांकि आज सुबह 6:30 बजे ही उनको बिल्कुल, और ये सभी के लिए रात की बात है। शुक्रिया शैलेश जानकारी देने के लिए। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।